ये जो कैंपेन से नो टू ड्रग्स जो कैंपेन आज शुरू हुआ है नागपुर पुलिस और कुछ एनजीओ के साथ में मिलकर, सर इसका उद्देश्य हमको बताएंगे थोड़ा सा कि नागपुर में शायद ये ड्रग्स की समस्या ज्यादा हो रही है, तो नागपुर पुलिस इसको कैसे देख रहा है? सर देखिए, आज से हमने ज्वाइन द चेंज एक प्रोग्राम शुरू किया है शहर में, और ये ड्रग्स के खिलाफ जो है शहर में अगर जो भी केसेस हो रहे हैं, क्योंकि हमने कई रेड्स किए जिसमें हमको थोड़ा थोड़ा ड्रग्स मिला और कुछ इसमें बड़ी संख्या में भी पता चला है कि ड्रग्स का कंजम्पशन होता है यहाँ पे, तो उस दिशा में हम लोगों ने सबके साथ में सबको साथ में लेके शुरू किया है। और इसमें हमने जो भी पब्लिक की तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है, सूचनाएं आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हम क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर लगता है कि यहां पे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, तो वहां पे हम जाके और उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, बाकी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर पब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को आपने एक बहुत कड़ी सख्ती आपने बताई है आपके भाषण के थ्रू कि ये ना करे वो, क्योंकि ड्रग्स एक बड़ा समस्या है। इसके अलावा सर नागपुर शहर में कुछ स्कूल्स कॉलेजेस है वहां पे भी ये समस्या बढ़ते जा रही है स्टूडेंट्स में, खास करके न्यू जनरेशन में, उसके बारे में नागपुर पुलिस सर क्या सतर्क बताती है? देखिए, हमने सभी अपने ऑफिसर्स के बार बार मीटिंग में बताया है कि स्कूल्स में कॉलेजेस में ये समस्या अगर बढ़ती है तो बहुत ही खतरनाक होगी। और इसमें कई जगह पे इन्फॉर्मेशन भी आई है हमारे पास में कि कुछ स्कूल्स के बाहर कुछ गाड़ियां आके रुकती हैं और उसके थ्रू ये सप्लाई किया जाता है। तो ये सब हमने अभी, क्योंकि स्कूल्स में कॉलेज में छुट्टियां चालू हैं, तो हमने एक तो रेस्टोरेंट्स और कॉलेज होटल सबको ये कार्रवाई दी है। इनफैक्ट हमने 144 में भी हमको बताया सीआरपीसी के अंदर कि आप इस तरह कोई भी चीज़ अलाउ ना करें। और स्कूल्स में भी जो मैनेजमेंट है उनके साथ में भी हमारी 27 तारीख को भी एक मीटिंग है, उसमें भी हम ये सूचना देने वाले हैं कि आपको कोई भी इस तरह का इंसान दिखे, कोई भी आपको लगे कि ये बच्चा इसमें पढ़ रहा है ड्रग्स में, तो उसकी हमें सूचना दे, हम लोग कार्रवाई। सर बहुत बार सिटीजन्स की समस्या होती है कि वो किसी का नाम जब पुलिस को बताते हैं तो वो गोपनीय नहीं रखा जाता है और वो लीक हो जाता है, तो इसके बारे में नागपुर पुलिस का या आप एज अ हेड करके अपने डिपार्टमेंट को क्या ताकीद देंगे? देखिए, अभी आने के बाद में लगभग हमने 8 से 10 केसेस किए हैं और कुछ में बड़ी संख्या में भी MD मिली है हमको, तो हमने किसी का भी नाम नहीं बताया। और ये सूचनाओं के आधार पे भी बहुत बारी आती है, तो ये मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ आपके जरिए कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको लगता है आप डायरेक्टली आके मुझे बताएं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बताएं, हम आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखेंगे और उसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। सर बस्तियों में जो ओयो खुला हुआ है उसमें अवैध काम भी ज्यादा हो रहे हैं, उसमें पूरे नागरिक परेशान है, उसमें आप कैसे सख्ती कर रहे हैं? बारे में मुझे मालूम नहीं, क्या बताएं सर? ये होटल जो चेन है ओयो का, और आवरली बेसिस पे ये रूम्स अवेलेबल करा देते हैं। जो ओयो चेन का जो आप बता रहे हैं, जो छोटे जो इकोनॉमिक होटल्स होते हैं, उसके बारे में हमें जहां जहां पे भी ऐसी कोई सूचना मिली है तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। इनफैक्ट हमने उनको ये भी बताया कि आपके होटल में कौन आता है, कितनी देर रुकता है, उसके ऊपर आप एंट्री कीजिए, ताकि उससे हमें एक लिंक पता चलता है। तो ये हमने उनको सूचना दी है। आपको भी अगर कुछ पता चलता है इसके बारे में आप जरूर बताइए, क्योंकि कोई भी रहे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सर सिविल लाइन्स में है, VIP रोड पर VCA के अगल बगल थोड़ा खाली अट्रेंडम क्राउड बढ़ गया है, सारे यंगस्टर्स है, और जिस तरीके से फ्लो दिन बर दिन जो बढ़ते जा रहा है, वहाँ किसी को पुलिस का कोई डर नहीं है। और अभी हर आए दिन सभी लोगों को पता है कि अचानक जो क्राउड बढ़ गया है, चाय के थर्मास लेकर के वो लोग आते हैं, और जिस तरीके से जो अटेंडम जो क्राउड बढ़ गया है, वो क्राउड मोस्टली नॉट मोर देन 30 हम लोग जो देखते आ रहे हैं। एज लिमिट उनका, एज लिमिट जो है वो ये समझ लीजिए सर कि 20, 22, 25, नॉट मोर देन 25। लड़के लड़कियां सरेआम धूम्रपान और बाकी ये सब सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर में अंकुश लगने के लिए एटलीस्ट पेट्रोलिंग का तो भी व्हीकल वहां से हर एवरी 1 आवर में जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों को भी लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर इस तरह की कहीं भी, क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही है, एक तो कॉलेजेस में स्कूल्स में, तो कुछ बच्चे और ये मिलते हैं और मिलके एंजॉय करना या ये करना उनका रहता है, परंतु उसमें अगर इस तरह की कोई हरकत चल रही है, इस तरह का कोई सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर नजर रख के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी किसी भी चीज़ के आड़ में अगर ये कर रहा है, मुझे लगता है वो खतरनाक है, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए खतरनाक, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू।